अस्सलाम वालेकुम। आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ गोभी के पकोड़े। एक फूल गोभी ली है मैंने, 2 कप बेसन लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी हरा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जो है साबुत जीरा है और 1 टेबल स्पून जो है नमक है। अब इसको मैं बेसन में सब शामिल करूंगी और इसी कप से 2 कप पानी डालूंगी। ये जो सारे मसाले मैंने लिए हैं, लहसुन मिर्च अदरक सब कुछ इसी में डाल दूंगी मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, पहले 1 कप पानी डाल दूंगी, फिर उसके बाद जितनी जरूरत होगी उतनी डालूंगी। पूरा 1 कप पानी डाला है, अब आधा और डाल रही हूँ। 1.5 कप पानी गया इसमें। 1 टीस्पून जो है नींबू का जूस डाल दूंगी मैं। इसको अच्छी तरह से खूब मिक्स करें, तभी ये अच्छा फिटेगा और क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। ये पानी बॉयल करने के लिए मैंने रखा है। अब इसमें मैं खड़ी गोभी डाल दूंगी बस 5 मिनट के लिए, फिर उसके पीसेस काटूंगी। इसको ऐसे ऐसे घुमा लें, थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं कुकर ऑफ कर दूंगी, बस स्टीम हो गई है ये गोभी। ऐसे टुकड़े काट लें गोभी के, बस अब फ्राई करना रह गया। अब गोभियां फ्राई करने जा रही हूं। तकरीबन रेडी हो गए हैं पकौड़े, बस 2 मिनट और, उसके बाद मैं निकाल लूंगी।